द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जो पिछले 2 महीने से चल रही है, मणिपुर से शुरू हुई थी और मणिपुर के मुद्दे को उठाते हुए देश भर के कई राज्यों से निकलते हुए अब महाराष्ट्र में है, ठाणे क्रॉस कर रही है और मुंबई में इसका समापन है। इंडिया अलायंस के सारे बड़े नेता वहां पहुंचने वाले हैं और ऐसे में जो वीडियोज आए हैं महाराष्ट्र के पालघर ठाणे के इलाके के बताए जा रहे हैं, और उन वीडियोज में जो जन सैलाब दिख रहा है, शायद इतिहास में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी किसी रैली में इतनी भीड़ नहीं होगी कि सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए वो वीडियो दिख रहे हैं। उन वीडियोस का दावा किया जा रहा है कि वो वीडियोस राहुल गांधी जी की यात्रा के महाराष्ट्र के लेग के हैं, और ऐसे में ये वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण समय पर आए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आए हैं, एक बहुत बड़ा स्कैम खुला है उसके बाद का ये पहला वीडियो लोग बता रहे हैं। ये एक वीडियो आप देखिए और झलक देखिए राहुल गांधी जी की गाड़ियां जहां से निकल रही हैं, आसपास भीड़ का क्या आलम है, देखिए इस वीडियो को। जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो को के बारे में ये कहा गया कि राहुल गांधी जी जब पालघर से थाने पहुंचे हैं तो ये वीडियो और ये भीड़ वहां की है। लोगों का ये भी कहना है, जहां महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अशोक राव जी ने बीजेपी ज्वाइन की है, जो एक कद्दावर नेता हुआ करते थे जिनको बीजेपी भ्रष्टाचारी बताती थी, मोदी जी और सब लोग उनको फ्लैट चोर कहते थे, और अब बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया, अपनी पार्टी में लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप, ये इस तरह की राजनीति तो आप जानते हैं, करियर का अलग विषय है, लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा में ऐसी भीड़ बता रही है जो दीवार पर लिखी इबारत है कि बदलने का समय है और परिवर्तन युग में शायद हम चल पड़े हैं। एक और बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जब से खुलासा हुआ है, लोगों का कहना है कि उसके बाद की ये पहली रैली है और इस रैली के अंदर जन सैलाब है, कहीं ना कहीं भाजपा के भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद और दुगना हो गया है और लोगों का ये मानना है। बहुत से लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो शायद तेलंगाना का वीडियो है, ये है वो है। तो आप कल का वीडियो, एक और भारत जोड़ो यात्रा में जिसमें राहुल गांधी जी की गाड़ी वही वाली चल रही है, लाल रैंगलर, उसको भी देख सकते हैं। सुप्रिया भारद्वाज जी ने डाला है इस वीडियो को, लिखा है कि थाने की ओर बढ़ते राहुल गांधी जी और जन सैलाब का रूप ले चुका उनका मोहब्बत का कारवां। जब सूत्रों सन्नाटा कम ब्लैकआउट जोन में है तो जनता जनार्दन खुद ही उतर आए हैं और शामिल हो गए हैं मोहब्बत के कारवां में। आप देखिए इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ये थाने जाते समय पालघर के तरफ से उस वक्त का फुटेज है और आप देख सकते हैं इसको। तो ये वीडियो जो आपने देखा, ऐसे वीडियोस हर तरफ रहे हैं और जिस यात्रा को बीजेपी ये कह के टाल रही थी, ये कह के हल्का बता रही थी कि इस यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है, राहुल गांधी जी की यात्रा जो है फ्लॉप शो होगी, तो वो यात्रा जिस तरह से माहौल बनाती हुई दिखी भारतीय जनता पार्टी को और उसके गठबंधन जो ठगबंधन भी कहलाता है, NCP, जिसको जिन नेताओं को चोर कह रही थी बीजेपी, चक्की पीसने का बता रही थी, जेल जाने वाला बता रही थी, उन सबको साथ में लेके NCP के वो फर्जी गुट को और शिवसेना के वो फर्जी गुट को, अब भारतीय जनता पार्टी को जो लोग देखते हैं, जानते हैं, उनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जहाँ 48 लोकसभा सीट्स हैं, लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के जरिए जाती है सत्ता की चाबी दिल्ली की, जहाँ 80 लोकसभा सीट है, लेकिन महाराष्ट्र एक छोटा राज्य नहीं है, महाराष्ट्र में भी 48 सीट्स हैं। मुझे लगता है कि अगर देश के टॉप 4 राज्यों को देखा जाए लोकसभा के सीट्स के हिसाब से, तो जितना मेरा अंदाज़ा कहता है, उत्तर प्रदेश की अगर सीट्स देख लें, 80 सीटों के बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, इनके ही नंबर आते हैं जो सबसे ज़्यादा सीट्स वाले हैं। मध्य प्रदेश कितना बड़ा राज्य है, यहाँ पर 29 लोकसभा सीट्स हैं। ऐसे में महाराष्ट्र का अंदाज़ा लगाइए, 48 लोकसभा सीट,
सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और जो शिंदे गुट है, अजीत पवार जी का गुट है, उसमें वैसे ही विवाद विवाद चल रहा था और उस विवाद के चलते अमित शाह जी को पहुंचना पड़ा था। अब उसी महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस का ये आलम और राहुल गांधी जी का इस तरह का जलवा देखना बीजेपी के लिए चिंता का विषय तो होगा। भ्रष्टाचार की जो परतें खुल रही हैं उससे भी कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड अपने आप में सबसे बड़ा स्कैम साबित होगा, वो प्रॉफिटिक जो एक तरह की बात थी या जो बात कही गई थी उसको लेकर आज जनता समझ रही है कि राहुल गांधी ने जो GST को लेकर कहा वो सही साबित हुआ, जो राहुल गांधी जी ने मोनेटाइजेशन को डीमोनेटाइजेशन की बात कही वो सही साबित हुई, जो राहुल गांधी जी ने GST और नोटबंदी के बाद इसकी बात कही इलेक्टोरल फंड की ये भी सही साबित हो रही है, कोविड को लेकर भी बात सही कही थी। तो ये सारी चीज़ों के बाद आज जनता में जो विश्वास बढ़ रहा है वो एक बड़ा विषय है कि कहीं ना कहीं जनता इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट राजनीति से दूर होती हुई दिख रही है। उसके भ्रष्टाचार का तो अब हर घंटे एक नया उदाहरण सामने आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में तेलंगाना कांग्रेस ने ये लिखा, कांग्रेस फॉर तेलंगाना ने लिखा ही कि कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट है वो 1,00,000 करोड़ का स्कैम है, कॉन्ट्रैक्टर है मेघा इंडस्ट्रीज, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं मेघा ने 986 करोड़ के, सेकेंड हाइस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है। किसको गए होंगे ये आपको पता ही है, किस पॉलिटिकल पार्टी को ये पहुंचा है, वैसे भी यूनिक नंबर मिलने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी SBI को, और स्पष्ट होने वाली हैं और बहुत सी चीज़ें खुलने वाली हैं, क्या होगा क्या कुछ समझ में आएगा तो सामने वाले बता ही देंगे जब वो यूनिक नंबर मिल जाएगा। लेकिन वो बात याद आती है इस वक्त जो वायर ने लिखी जब इंटरव्यू किया था करण थापड़ साहब ने, कि कैसे सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि मोदी को भ्रष्टाचार से कोई परेशानी नहीं है, मोदी हैज़ नो प्रॉब्लम विद करप्शन, इज इग्नोरेंट ऑन J&K एंड साइलेंस्ड मी ऑन लैप्सेस लीडिंग टू पुलवामा। इसमें महत्वपूर्ण बात जो कही सत्यपाल मलिक साहब ने वो आज कुछ महीने बाद बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड दिखती है कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परेशानी नहीं है। अब वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो रायता फैल रहा है साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक साहब ने जो बात कही थी उसमें बड़ा दम था। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, बहुत चीज़ें आने वाली हैं। ये लोकसभा चुनाव जितना आसान गोदी मीडिया दिखा रही थी बीजेपी को इतना मुश्किल बन जाएगा शायद इसका अंदाज़ा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। हर पॉलिटिकल पार्टी अगर सत्ता के चरम पर पहुंचती है तो उसको शायद लगता होगा कि कोई भी उसको चैलेंज करने वाला नहीं है, लेकिन क्या गलती कहाँ मुश्किल खड़ी कर देगी ये सबसे बड़ा उदाहरण यही है। तो आप अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।